हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो आपका सीआईबी का एबीएम क्रेडिट नंबर 6 से इंडियन इकोनॉमी एंड वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं और समझ रहे हैं, ठीक है। अगर आप प्रॉपर सीआईबी का कोर्स करना चाहते हैं तो मेरा फोन नंबर दिया है, फोन करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, चाहे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पूरा डिटेल्स डाला हुआ है, वहाँ भी देख सकते हैं। चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चीज क्या है समझना होगा, इंडियन इकोनॉमी और वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। इसके लिए सबसे पहले हमें यह समझना है कि जो शुरू के 5 साल है, पांच डिकेड है, डिकेड का मतलब एक डिकेड में 10 साल, यानी 5 डिकेड का बात मतलब बोल रहा हूँ, तो 5 × 10 50 साल टिल 1947 की इंडिपेंडेंस तक जो हमारा पर कैपिटा जीडीपी था, क्या था पर कैपिटा जीडीपी, वो क्या था, स्थिर था, स्टैग्नेंट था। और जीडीपी इस पीरियड में 0.9% का ग्रोथ हुआ है, जहाँ हमारी पॉपुलेशन है 0.8%। पॉपुलेशन कितनी है हमारी, 0.8% की पॉपुलेशन है। जीडीपी ग्रोथ हुआ है इस केस में 0.9%। समझिए बात, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि आपका जो ड्यूरिंग फर्स्ट 5 डिकेड्स, डिकेड्स का मतलब हो गया 50 ईयर्स, ठीक है। हम बात कर रहे हैं ये कब की बात हो गई है, ऑफ 28th century, यानी हम इसको ऐसा बोल सकते हैं 1900 से लेके 1947 तक, समझो 1900 से लेके 1947 में हमारा जो जीडीपी था वो क्या था, ऐसा समझिए पर कैपिटा जीडीपी स्टैग्नेंट था, यानी एक था, एक ही जैसा था, पर कैपिटा जीडीपी स्टैग्नेंट था। स्टैग्नेंट का मतलब जो चेंज नहीं करता, वो ऐसा का वैसा ही था पर कैपिटा। इस समय नोट किया गया दो बातें, ठीक है, पॉपुलेशन 0.9% की ग्रोथ हुई, सॉरी जीडीपी की ग्रोथ हुई 0.9% की, पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई 0.8% की, यानी जीडीपी की जो ग्रोथ हुई है 0.9% का ग्रोथ हुआ, ठीक है, और पॉपुलेशन का जो ग्रोथ हुआ वो हुआ 0.8% का ग्रोथ। समझ रही बात। अब भाई 1950 से लेके 1980 में, ठीक है, अब जो दूसरा चीज है 1950 से लेके अगर आप 1980 में जा रहे हैं, ठीक है, उस समय एनुअल जीडीपी जो देश का था वो था 3.5%। कितना था एनुअल जीडीपी जो था हमारे देश का, वो था 3.5%, ठीक है। फिर इंडिया इकोनॉमी जो 25 साल की रही, ऑफ 25 ईयर्स, सिंस 1981 से लेकर जो 25 साल की रही, वहां पे 6% का ग्रोथ हुआ। हम ये बोलेंगे कि जो इंडियन इकोनॉमी है, यानी जो जीडीपी हुआ ओवर 25 ईयर्स, सिंस कब से बोल रहे हैं 1981 से, तो इसका मतलब क्या होगा, टू हम बोल सकते हैं 1981 से लेके 25 साल कहां होता है 2005 तक, तो यहां तक में क्या रहा कि हमें जो जीडीपी की ग्रोथ आई है वो 6% की जीडीपी की ग्रोथ हो रही है, ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 4, जीडीपी की ग्रोथ 2001 और 2007-08 में देखा गया, 2001 से लेकर 2007-08 में देखा गया 7.2% हो गया, यानी बोल सकते हैं 2007-08 इस समय तक में देखा गया है जो जीडीपी की आपकी जो ग्रोथ है वो हो गया 7.2%, ठीक है, कितना हो गया 7.2%, 7.2%, ठीक है।
अब आइए जीडीपी 2003-04 से लेकर 7-08 की अगर हम बात करें उस समय 8.8% से बढ़ रहा था, ठीक है, और पर कैपिटा इनकम में भी बहुत तेजी से ग्रोथ हो रही थी। दो बातें थी उसमें। तो अगर हम बात कर रहे हैं 2003-04 से लेके 2007-08 में, ठीक है, इसमें देखा गया दो बातें। जीडीपी की जो ग्रोथ हुई वो हो रही थी 8.8% के हिसाब से ग्रोथ हो रही थी, ठीक है, और हमारा जो पर कैपिटल इनकम जो था, सॉरी इनकम, ठीक है, उसमें भी बहुत शार्प ग्रोथ देखा गया है। शार्प ग्रोथ देखा गया किसमें? पर कैपिटल इनकम में क्या हो गया? शार्प ग्रोथ हो गया, ठीक है। अब एक शब्द का नाम सुनते हैं, हाई इन्फ्लेशन। अब ये क्या है भाई, सब सुन रहे हैं? हाई इन्फ्लेशन। हाई इन्फ्लेशन इसलिए होता है कि डिमांड और सप्लाई का चीज है, ठीक है, जो प्राइस होती है गुड्स की या सर्विसेज की वो बहुत ज्यादा हो जाता है, और इतना ज्यादा हो जाता है कि हम बोल सकते हैं कि वो पूरा नहीं कर पाते। तो हाई इन्फ्लेशन बेसिकली हम बोल सकते हैं ये होता है ड्यू टू शॉर्टेज, बोल लो सबसे सही शब्द, शॉर्टेज ऑफ फूड एंड वाटर। इसकी शॉर्टेज हो जाएगी तो इसकी वजह से बहुत हाई इन्फ्लेशन हो जाएगा। तेल के बिना कुछ चलेगा नहीं, खाने के बिना आदमी रहेगा नहीं, नेचुरल सी बात है। इस चीज को पे करने के लिए बहुत हाई इन्फ्लेशन हो, बहुत लोग ज्यादा पैसा देंगे, ठीक है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 7, 2003-04 की बात है, सॉरी आप समझिए एग्रीकल्चर को आप जानते ही हमारे देश में, अगर मैं बोलूं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, अब आ जाइए सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। कितने सेक्टर्स हैं हमारे यहां? 3। एक का नाम है प्राइमरी सेक्टर, जो क्या है? एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर एंड एलाइड। दूसरा हो जाएगा सेकेंडरी सेक्टर में अगर आप बात करेंगे तो है इंडस्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तीसरा बात करेंगे टर्शियरी, वो कौन सा है? सर्विस सेक्टर। समझिएगा बात, जो आप बोल सकते हैं प्राइमरी सेक्टर में मास एम्प्लॉयमेंट है, कम से कम आ जाए तो 50% लोगों को तो पेट यही पाल रहा है। टर्शरी में मैक्सिमम रेवेन्यू है, मैक्सिमम जीडीपी का कंट्रीब्यूटर है, मैक्सिमम देखो हाईएस्ट जीडीपी का कंट्रीब्यूटर है, ठीक है, हाईएस्ट जीडीपी का कंट्रीब्यूटर है, ठीक है, ओके। तो ये बेसिकली सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की बात हो गई। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एग्रीकल्चर हमारा एक प्राइमरी सेक्टर है, और 2008-09 में, ठीक है, और ठीक है एग्रीकल्चर हमारा प्राइमरी सेक्टर, समझिए। अब जैसे एग्रीकल्चर हम एक बात बोलेंगे यहाँ पे, एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर
एग्रीकल्चर क्या है, आपका एक प्राइमरी सेक्टर है, और यहां से कितना एम्प्लॉयमेंट आ रहा है, 52% का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड्स 52% एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं इंडस्ट्री का, तो बेसिकली इंडस्ट्री सेकेंडरी सेक्टर में आता है और 19% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है, और 1/3 जो इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स होता है वो इंगेज्ड है इसमें सिंपल हाउसहोल्ड और मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, हम यहाँ क्या बोल सकते हैं कि जो आपका इंडस्ट्री जो है बेसिकली सेकेंडरी सेक्टर में आता है, और ये 19% ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है, और इसी इंडस्ट्री से आप समझ सकते हैं कि 1/3 ऑफ इंडस्ट्रियल लेबर जो है वो कहां से आ रहा है, 1/3 इंडस्ट्रियल लेबर ये लोग इंगेज्ड हैं इन सिंपल हाउसहोल्ड के काम में सिंपल हाउसहोल्ड मैन्युफैक्चरिंग। बेसिकली हाउसहोल्ड में भी तो घर में भी क्या होता है, घर घर में भी कारखाना खुला हुआ है, जैसे लैपटॉप के बैग बना रहे हैं, पेन बना रहे हैं, कॉपी बना रहे हैं, सब छोटा बिजनेस है, बहुत छोटा है। ठीक है, इसको मुझे सिंपल हाउसहोल्ड मैन्युफैक्चरिंग का मैं इंगेज नहीं हूं। अब आइए पॉइंट नंबर 9। अब यहां पे बताया गया है कि 1990 में बहुत सारा एफडीआई आना स्टार्ट हो चुका, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चालू हुआ, उसकी वजह से बहुत प्रोग्रेस हुआ, बहुत तेजी आई इकोनॉमी में और आपका टेक्नोलॉजी में। हम बोल सकते हैं कि पोस्ट 1990 उस समय क्या हुआ, लॉट्स ऑफ एफडीआई, एफडीआई का फुल फॉर्म क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कम्स टू इंडिया, उसके बाद मेड ह्यूज प्रोग्रेस बोथ इन टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमी। तो यहां पे बहुत सारा एफडीआई आना चालू हुआ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में आया, जिससे बहुत ह्यूज प्रोग्रेस हुआ, दो चीजों में हुआ, एक तो एक टेक्नोलॉजी में हो गया और दूसरा आप इकोनॉमिकली होने लगे। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट्स प्लीज आप कॉपी में अपना लिखते चलिएगा, तभी आपकी अच्छी तैयारी हो पाएगी। ठीक है, यहाँ पे सीआईबी का हमारे पास दो तरह का प्रोग्राम है, एक है बेस सिस्टम, बेस सिस्टम मतलब वहाँ पर लाइव क्लासेस और उसी बेसिस पर डेली वीडियोस भी आती हैं, दूसरा है फेस टू फेस वीडियो कोर्स जो सबसे ज्यादा सेलिंग और पावरफुल वाला कोर्स है। दोनों जगह कोर्स कंटेंट सेम होता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ दोनों जगह लेंगे, दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी वीडियो है, दोनों जगह 12,000 छोटे क्वेश्चन में, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट है, दोनों जगह रिविजन नोट्स होती हैं पीडीएफ में। ठीक है, अंतर कहाँ है, यहाँ है, इसकी वैलिडिटी मात्र 6 महीना है, इसकी वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग हो जाती है, घुमा फिरा के ये कोर्स हो गया बेस्ट। इसमें चक्कर है लाइव रहता है। ठीक है, आप उस समय लाइव नहीं रहे तो फिर वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको वीडियो मिलता है। ठीक है, उससे ज़्यादा अच्छा है कि यहाँ पे आपको सारे वीडियोज ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, रिकॉर्डेड है, जब मर्जी तो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं अपने टाइम के हिसाब से, जैसा आपको समय मिला, इसलिए मुझे ये बेस्ट लगता है। प्लस पॉइंट एक, लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी, आप किसी कारण से अगर एग्जाम नहीं दे पाए तो आपके लिए कोर्स बेकार हो गया, फिर से पैसे देने पड़ जाएंगे, इसमें वो चीज़ नहीं है। प्लस इसमें सबसे बड़ा चीज़ है गाइडेंस, ठीक है, जो वहाँ मिसिंग है। ठीक है, ये सब चीज़ है जो मुझे ये लगता है कि जिसकी वजह से कोर्स ज़्यादा अच्छा है। और इसका अगर पेपर का कंपेयर करें, प्राइस एबीएम का यहाँ 1200 रुपये है, यहाँ 1500 रुपये है, बीएफएम का यहाँ 1200 रुपये, 1500 रुपये, रिटेल बैंकिंग का 1200, यहाँ 1500 है, एबीएम प्लस बीएफएम का दाम है 2200 रुपये, 2700 रुपये, कॉमो पे का दाम है 2700 रुपये, यहाँ 3500 रुपये, कुछ पैसा जरूर ज़्यादा लगेगा बट ये आपको लाइफ लॉन्ग हो जाएगा। मेरा ये बोलना, यही कोर्स आप लें, ये ज़्यादा बढ़िया है, ज़्यादा फ्रूटफुल है आपके लिए। ठीक है,
ज्यादा जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं, फोन नंबर हो गया 4 times 9 6 8 5 1 2 7, दूसरा नंबर 7 8 2 7 5 4 6 9 4 6। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट हो जाएगा www.jabcabstudymaterial.com, ईमेल आईडी हो जाएगा sales@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, ठीक है, थैंक यू।